पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 3 किस्तों में 2,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि को 12,000 करने की बात कही है। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किसानों को मिल रहा है, तो सुन लीजिए, अगली बार राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो 12,000 देंगे। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 की जगह 12,000 कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सी लुहावनी घोषणाएं भी की हैं। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियां किसान वोट को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं। कि भाजपा आ रही है, वे किसी भी कीमत पर किसानों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती हैं। ऐसे में इन पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में विशेष तौर से किसानों के लिए घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम किसान योजना के तहत 12,000 रुपए देने के साथ ही किसानों के लिए अन्य कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किसानों को गेहूं की MSP पर 200 रुपए बोनस देकर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। बाजरा व ज्वार की भी MSP पर खरीद की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस सरकार में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की राशि को दुगुना किया जाएगा। कितने किसानों को मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ? वर्तमान में देश के करीब 8 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अभी बीते 15 नवंबर को ही पीएम किसान योजना की 15th किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। बता दें कि EKYC और जमीन वेरिफिकेशन के बाद इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आने लगी है। इससे पहले इसमें करीब 11 करोड़ किसान शामिल थे। वहीं बात करें राजस्थान की तो यहां करीब 80 लाख किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां इसे अपने पक्ष में करना चाहती हैं।